तकरीबन मुझे लग रहा है कि सारे ही हैच हो चुके हैं, तो देखते हैं जी कितने। एक हमारी ये डक है जी, ये देखें, ये इसका हमने नेस्ट बनाया था, तो ये भी जो है अंडों पे बैठी हुई है। ये देखें, ये आपको अंडे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। आज की वीडियो में कोई भी बकरा या बकरी नहीं है, ये डक से रिलेटेड है। इसके हम बच्चे काउंट करते हैं, उम्मीद है कि ये हमें काटेगी नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः, छः बच्चे हैं जी। हम देखते हैं ये अंडे कोई हैं या नहीं। ये देखें, देखें सांप की तरह से आवाज़ निकाल रही है। कितने हैं, छः बच्चे निकले। वन लास्ट ईयर भी हमने एक दफ़ा रखे थे, तब हमारे निकले थे पाँच, लेकिन अब ये दूसरी दफ़ा बिठाई है तो निकले छः। एक दो तीन चार पाँच, छः बच्चे जी। अच्छा, कितने क्यूट बच्चे हैं जी। अच्छा, इनके इनका जो पीरियड होता है जो डक के बच्चों का, ये तकरीबन 28 दिन बाद, ये 28 डेज बाद जो है इसके एग हैच होते हैं, चाहे वो इंक्यूबेटर में हो या इस बदख के नीचे। देखिए माशाल्लाह कितने क्यूट हैं, छोटे छोटे से। और ये भी थोड़ी वीक हो गई है ये डक, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, अभी ये बच्चे नेस्ट में हैं। कल सिर्फ दो थे, आज सुबह भी दो थे, अभी आज दोपहर में ये सब बच्चे हैच हुए हैं। दोपहर में ये भी आकर देखे, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। कुछ दिनों में हमें इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, कुछ दिन कि इनको बिल्ली जो है, चील या कौवा वगैरह इनको उठा लेते हैं अक्सर, तो जो है वो ना उठाएं। सिर्फ चंद दिन, हफ्ता 10 दिन तो बस, उसके बाद फिर ये होंगे तो शुरू से ये सेल्फ फीड, और फिर ये कि अब फिर ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। असल में जब मेल इनके साथ होता है ना, तो फिर ये कि वो अपने ये बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, फीमेल भी करती है और मेल भी। दूसरी ये बतख बैठाई हुई जी हमने, इंशाल्लाह जब इसके एग हैच होंगे तो इसकी भी वीडियो जो है हम आपको दिखाएंगे। ये हमने ये जो है ये वाली फीमेल जो है डाकी, हमने आई थिंक 20 को हमने बिठाई थी, 20 मार्च को। ये रोज़ों के अंदर इसके जो है बच्चे हैच होंगे, इसके एग जो है वो हैच होंगे रमज़ान के अंदर। सुबह तक तो ये सिर्फ 3 थे, अब माशाल्लाह से 10 out of 10 रिज़ल्ट आए, 6 एग्स आई थी और जो है 6 ही जो है वो हैच हुए। देखिए सब अपने नेट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं।